छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की बर्खास्तगी को निरस्त करने के लिए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमित जोगी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा को पत्र लिखा है। पत्र में जोगी ने लिखा कि भूपेश बघेल सरकार संविदा कर्मियों के प्रति तानाशाही रवैया अपना रही है, जो कि सही नहीं है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में संविदा नहीं सम्मान चाहिए अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मियों पर FIR दर्ज की गई है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमित जोगी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा से स्वास्थ्य कर्मियों के नियमितीकरण की मांग के साथ ही उनकी बर्खास्तगी और FIR को भी निरस्त करने का अनुरोध किया है। जोगी ने कहा है कि हिटलरशाही में भूपेश सरकार ने योगी सरकार को कोसों पीछे छोड़ दिया है। 13,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर उनके विरुद्ध FIR दर्ज की गई है। ये भूपेश बघेल सरकार की हिटलरशाही का नतीजा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस योगी सरकार पर आरोप लगाती है और संविदा कर्मियों के लिए लड़ाई लड़ रही है, वहीं अपनी ही कांग्रेस सरकार वाले राज्य में संविदा कर्मियों को हटाया जा रहा है और उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की लड़ाई में स्वास्थ्य कर्मी अपना योगदान दे रहे हैं। पिछले 18 महीनों से वे सरकार से नियमितीकरण की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। ऐसे में हड़ताल करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचा था। अमित जोगी ने कहा कि कांग्रेस का जनता के साथ ये खिलवाड़ है। अपने पोते की नन्नी आंखें खुलने के कुछ ही दिनों पहले मेरे पिताजी की आंखें बंद हो गईं। लगता है मानो पापा ने फिर से एक नया जन्म लिया है, एक नई उमंग के साथ छत्तीसगढ़ की पावन धरती में वे फिर से लौट आए हैं। जब मैं अपने बेटे को देखता हूं तो बिल्कुल वही आंखें दिखती हैं, वही मुस्कान दिखती है, वही उत्साह दिखता है जैसे पापा में था। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो प्यार और आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के लोगों ने पापा को दिया, वही प्यार और आशीर्वाद मेरे बेटे को भी देंगे। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।